कार कार जनाब, ये हम आए हैं पाकिस्तान सर से, जो अमदाद हो रही है और जो पैसे मिल रहे हैं गरीब लोगों को, उनकी फॉर्म फिल हो रहे हैं यहाँ पे। आपको मैं दिखाता हूँ कैसे फॉर्म फिल करना है। अपने ऐप, अपने मोबाइल से भी, प्ले स्टोर से भी आप वो इंसाफ अमदाद जो है ऐप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें अपना आईडी कार्ड नंबर, शनाख्ती कार्ड नंबर और नेम जो है वो कर सकते हैं। एक घर में एक ही बंदा कर सकता है, तो आप भी करें और आपके साथ जो ज़रूरतमंद हैं उन्हें भी करके दें। राशन, ये हुकूमत की तरफ से जो मिल रहा है राशन और पैसे वगैरह मिल रहे हैं, ये वो है। तो वो हम फॉर्म फिल कर रहे हैं मोबाइल से, मोबाइल ऐप से और सब कुछ कर रहे हैं। तो काफ़ी सख्त, यानी कि बहुत ज़्यादा राश भी है। तो अल्लाह पाक सबको अपने ख़जाने से दे, अल्लाह पाक सबको अपने पास से दे, इज़्ज़त वाला दे, आमीन। और अल्लाह पाक ये जो कोरोना का वायरस है ये इसको भी ख़त्म करे, पूरी दुनिया से ख़त्म करे। हम ये नहीं कहते सिर्फ पाकिस्तान से, हम कहते हैं पूरी दुनिया से ये क्या कहते हैं ऐसी बीमारी जो है फैली हुई है ये ख़त्म हो जाए, आमीन। हम दुआ करते हैं, आप भी दुआ किया करें, नमाज़ पढ़ें और दुआ करें। तो आप देख चुके हैं ये हिलाल साहब हैं मेरे दोस्त बचपन के, तो ये मिर्ज़ा साहब हैं, ये राना साहब हैं, तो हम बैठे हैं। ये दिखाएं ज़रा जी, ये इंसाफ अंदाज की ये जो हम एप्लीकेशन है ये डाउनलोड की है, ये देखिए नज़र आ रही है। यहाँ पे अपना नाम, आईडी कार्ड नंबर, फ़ोन नंबर, जिनको ज़रूरत है उनका, जिनको ज़रूरत है उनको, अदर्स नहीं, दूसरे नहीं है। तो ये करके ऐड करके सबमिट करके तो फिर सेंड करते हैं, फिर आपको दो तीन दिन बाद कॉल आएगी इंशाल्लाह ताला। लाल सारा पिछड़ इंसाफ वाला और ऐप दिखाओ, एप्लीकेशन ऐप का ना ये इस तरह की होगी, कितने ये ठीक है। हाँ ये, तो आप भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने मोबाइल से और जो ज़रूरतमंद है उनके एप्लीकेशन जो है फॉर्म फिल करें और सबमिट करवाएं, तो आपको इंशाल्लाह ताला दो या तीन दिन तक कॉल आएगी राशन या जो। मैं छोटा सा पैगाम देना चाहता हूँ कि आप वो किसी भी नंबर से कॉल आए कि हम फला बोल रहे हैं या फला ऑफिसर बोल रहे हैं, तो अपना आई डी कार्ड नंबर या अकाउंट नंबर या जो भी है वो हमें लिखवाएं, तो प्लीज़ हरगिज़ ऐसा ना करें, ठीक है। और इसके बाद जो भी है एप्लीकेशन अपने खुद अपने करें, और अमदाद जो देनी है वो आप जाकर जो तंजीमें बनी हैं उनको दें, या जो आपको पता है कि आप जो जिनको ज़रूरत है उनके घर जाएं और उन्हें जाकर खुद अपने हाथों से इमदाद दें, ये बेहतर तरीका है बहुत ज़्यादा। आपको पता है कोरोना वायरस काफ़ी फैल चुका है, पाकिस्तान में भी हैं, इसके केसेस अमवात भी हो चुकी हैं, तो आप एहतियात लाजमी है, एहतियात के आगे कुछ भी नहीं, पहले एहतियात फिर दूसरी चीज़ें, मेडिसिन वगैरह, दवाई वगैरह जो है। तो बिलाल साहब आपको बताएंगे कि इसकी एहतियात क्या है, मैं अभी आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी बहुत, तो बिलाल साहब बताएंगे। जी बिलाल साहब, एहतियात इसकी यही है कि घरों में रहें, सोशल डिस्टेंसिंग सबसे बेहतरीन हल है इसको, मेडिसिन तो अभी तक कोई इसकी आई नहीं है, बस यही चीज़ है। वो जो कह रहे हैं कि हमने दरियाफ्त कर ली है, हमने बना ली है मेडिसिन, अभी तक कोई नहीं आई, अभी तक कोई नहीं आई। तो और कोई मिर्ज़ा साहब आपने कोई पैगाम देना हो? बस मेरा ही पैगाम है कि अपने आप को सेफ रखें, अपनी फैमिली को सेफ रखें, और जितना भी हो सके अपना फासला रखें सबसे, और घरों में अपनी लाइफ, अपने बच्चों की लाइफ महफूज रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा केयर करें, बाहर जाने से परहेज करें। राम साहब आप थोड़ा सा आप ये नादर ऑफिस में होते हैं तो कोई काम हो तो ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह, जायज़ काम, ठीक है जी। थोड़ा सा पैगाम दे रहे हैं, सबको ये मैसेज है कि घरों में रहें, सेफ रहें, और अपनी फैमिली को और अपनों खुद को जो है ना वो घर में रखें, ठीक है, ये हम सब की इसमें सेफ्टी है। और इसके बाद जो पुलिस वाले या आर्मी वाले जो आपको रोकते हैं तो वो आपका भला करते हैं, उनमें उस चीज़ में उनका कोई फ़ायदा नहीं, आपका फ़ायदा, आपकी फैमिली का फ़ायदा है, पाकिस्तान वालों का फ़ायदा है। तो प्लीज़ 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 उनके साथ तावन करें और वो जो कहते हैं वैसा करें। अभी हम ये दूसरी जगह पे आए हैं, अभी हम चार कोने होते हैं, तो दो कोने हमने जो है वो घूम लिए, तीन और चौथा और तीसरा रह गया, वहाँ पर करेंगे इंशाल्लाह ताला, आज नहीं तो सुबह करेंगे, मुकम्मल हो जाएगा, फिर उसके बाद दूसरे गांव में जाएंगे इंशाल्लाह ताला। ये मेरा गांव वाला भी चीमा, वहाँ पे हम कार हैं, तो फिर नेक्स्ट चांद नेक्स्ट किधर जाना है? नेक्स्ट ताजो की। हाँ ये हमारे गांव के साथ जो ताजो की है वहाँ पे जाएंगे हम, नेक्स्ट वो होगा, फिर नेक्स्ट देखेंगे, अभी सोचा नहीं है फिर कहाँ जाना है। फिलहाल ये आदम की चीमा है जहाँ पर हम कार रहे हैं। जनाब हम आए हैं अब अपने गांव के दूसरे कॉर्नर पे, यानी कि रोड साइड पे, तो ये मेरे साथ जान भट्ट साहब बैठे हैं, ये भी कर रहे हैं, तो ये देखिए ये कर रहे हैं, ये राशन वाला है, ये हम कर रहे हैं, तो अभी तक मेरे पास नहीं आया, इसलिए मैं चले ब्लॉक का हिस्सा का हुआ कर लेते हैं।
और अपने अपनी राय दें कमेंट में, जहाँ तक कोई पैगाम देना हो। मैं तो यही कहूँगा लोगों को कि घर पर रहें, बाहर ना निकलें, और इससे भी मैं सबका भला है आपका भी है। ये वेंटिलेटर पे पड़े रहने से बेहतर है अपनी गर्मी पड़े रहें। थोड़ा मुंडा ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, और अपने अपनी राय दिया करें कमेंट में कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ से परहेज करनी चाहिए। ये आपको भी पता है, हम आपको बार बार यही बता रहे हैं कि एहतियात लाजमी है, एहतियात लाजमी।